गाइस, श्रीनगर से हम निकल चुके हैं सोनमार्ग के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। श्रीनगर में तो इतनी ठंड नहीं थी, बट जैसे हम सोनमार्ग हाईवे पे आए यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। गाइस, ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये है झेलम रिवर। ये आगे जाकर वुलर लेक में मिल जाती है। Subscribe to my channel. Click on bell icon. और ये उसके ऊपर लोहे का पुल जिसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एक बार में एक साइड का ही ट्रैफिक खोलते हैं ये लोग। 15-20 मिनट से मैं पीछे ही वेट कर रहा था, अब जाके इन्होंने खोला है तो मैंने इसको क्रॉस किया है। और इस समय बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ से सोनमार्ग है अभी काफ़ी दूर। देखते हैं मैं दिन में पहुँच पाता हूँ नहीं पहुँच पाता। गाइस, ये आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं व्यू। खेती हो रही है और यहाँ से 5 किलोमीटर बाद कंगन स्टार्ट हो जाएगा। काफी पीछे हैं। और ये जो रिवर है ये है सिंध रिवर। ये पुल पार करते ही कंगन स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे दिन ढलता हुआ। और ये साइड में जो लड़के देख रहे हैं ये पत्थरबाज हैं। आर्मी की या मिलिटेंट की गाड़ियों में पत्थर फेंकते हैं और मैं अकेला ही राइड कर रहा हूँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स पीछे ही श्रीनगर में रुक गए हैं और मुझे अकेला राइड करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस, कभी भी आप अगर लद्दाख जा रहे हो, ये रूट आप ले रहे हो, तो आप प्लीज़ दिन में ही जाएं यहाँ से। अगर आपको लगता है कि आप सोनमार्ग नहीं पहुँच पाएंगे तो आप श्रीनगर में ही स्टे कर लें। मेरे साथ मेरा प्लेन भी है मेरे साथ में, बट उसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो भी करा भाई, कहीं रोकना नहीं, सीधे ही चलते रहो। तो मेरा टारगेट भी यही है कि सीधा सोनमार्ग जाके स्टॉप करूँ। देखते हैं कितने तक हम सोनमार्ग पहुँच पाते हैं। बट अप्रॉक्सीमेटली वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ठंड भी लग रही है। बाइक भी मैं स्लो ही चला रहा हूँ। रोड पे कहीं कहीं खड्डे भी हैं, अचानक से आ जा रहे हैं, तो मैं रिक्स नहीं ले रहा। आराम आराम से। गाइस, बस कुछ ही मिनटों में रात होने ही वाली है और डर भी बहुत लग रहा है इस रोड पर, क्योंकि जगह जगह में पत्थरबाज बिल्कुल फुल लेंथ के कपड़े पहने हुए हैं, लाइक होल लेंथ कोट। सोनमार्ग एक बहुत ही अच्छी जगह है। आज रात हम सोनमार्ग में ही रुकेंगे एंड कल हम सोनमार्ग से कारगिल जाएंगे। आज हम उधमपुर से डायरेक्ट सोनमार्ग आए हैं और कल हम सोनमार्ग से कारगिल जाएंगे। ये 123 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कल ट्रैवल करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बारिश हुई है। अच्छा हुआ कि हमें बारिश नहीं मिली, अगर थोड़ा पहले आते तो हमें बारिश मिलती तो और भी ज़्यादा फिर हमें ठंड लगती। बस हमारा टारगेट है जल्द से जल्द सोनमार्ग पहुँचने का और एक होटल लेके रहने का। हमने कहीं पर भी किसी भी डेस्टिनेशन पे होटल बुक नहीं करवाया है। यहाँ से ले है 381, कारगिल 155, द्रास 98, बालटाल 51, सोनमार्ग 36 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। तो बस मुझे अभी किसी तरह से 36 किलोमीटर बस अब ट्रैवल करना है और सोनमार्ग पहुँचने के लिए, और नाइट स्टे वहीं करूँगा कोई अच्छा सा होटल देखकर। और आज हम देखो क्या खाते हैं, जो भी अवेलेबल होगा मिल जाए खा लेंगे। यहाँ से कारगिल से हम पहुँचेंगे ले, फिर ले से नुब्रा से पेंगोंग से ले से जिप्सा मनाली
फिर दिल्ली, ये हमारा रूट प्लान है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये रूट प्लान, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो। रास्ते में कुछ बाइक में पंचर वगैरह, किसी की बाइक अगर ख़राब नहीं हुई तो हम इसी प्लान को हम फॉलो करेंगे। गाइस आगे जो पहाड़ है उसमें बर्फ़ जमी हुई है और बहुत ज़्यादा हमें ठंड लग रही है इन पहाड़ों की वजह से, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ है जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमने फील किया कि जैसे कोई बर्फ़ का पहाड़ आने वाला होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है पहले से ही, हमें पता चल जाता है कि यहाँ कोई बर्फ़ का पहाड़ आने वाला है। नहीं वाली है और यहाँ से अभी सोनमार्ग काफी दूर है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन।